पुलिस अधीक्षक महोदय अमन सिंह राठौड़ के द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी पर रोकथाम के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मुखबिर की सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से अवैध हथियारों का जखीरा लेकर बदमाशों को बेचने के उद्देश्य से दतिया आ रहे हैं। सूचना प्राप्त होने पर धीरपुरा थाना प्रभारी ने दो व्यक्तियों को पकड़ा और पूछताछ करने पर अपना नाम नरेश चंद्र पुत्र गंगाराम प्रजापति उम्र 42 साल और दूसरे ने अपना नाम रुबेंद्र पुत्र राम नरेश यादव उम्र 30 साल निवासी गण थाना नगला खंडेर जिला फिरोजाबाद का होना बताया। चेक करने पर 5 नग 12 बोर की हाथ से बनी एक नाल बंदूक 3 32 बार की देसी पिस्टलें 2 32 बोर की जिंदा राउंड 1 12 बोर की देसी अधिया 1 315 बोर की सिंगल शॉट बरामद की। पूछताछ पर दोनों आरोपियों द्वारा बताया गया कि अवैध हथियार दतिया जिले में बदमाशों को बेचने आए थे। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी धीरपुरा यादवेंद्र सिंह गुर्जर सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह गुर्जर बीए परमार आरक्षक सत्येंद्र सिकरवार योगेंद्र की मुख्य भूमिका रही। अपराध की रोकथाम की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके लिए पूरी टीम को बधाई और निश्चित तौर पर एक अच्छा कैश अवार्ड दिलवाने के लिए हमारे साथ।